Okay, so this one is second part of our window series. तो इसको आप अवॉइड करें साइड में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना ओरेकल आप सर्च कर सकते हो, ओरेकल वीएम बॉक्स ऐसा आपका आइकन रहेगा और उसके बाद आप ओपन करोगे, राइट? अब यहाँ पे हम मशीन क्रिएट करनी है हमें दो, एक विंडोज 10 और एक विंडोज सर्वर 2019. ओके, सो न्यू मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. आपके पास अगर आप यूज कर रहे हैं नो डाउट, बट मतलब न्यू इंस्टॉल फ्रेश से इंस्टॉल करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से बना सकते हो. तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ विंडोज सर्वर 2019, राइट? न्यू, ऑल सेट. यहाँ पे आप लोकेशन जो है चेंज कर सकते हो अपनी वीएम्स के लिए. तो मैं प्रेफर करूँगा कि डी ड्राइव में मैं रखूं, ओके. सो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में मशीन के अंदर मैंने बना दिया सिलेक्ट फोल्डर. मैं यहाँ पे सेव करूँगा, थोड़ा सा मतलब बेनिफिट रहता है कोई, ऐसे इसमें ज़्यादा वो नहीं है. और यहाँ पे मैं विंडोज सर्वर, यहाँ पे मेरा 19 जो है अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे अदर विंडोज 64 हम सिलेक्ट करेंगे. परफेक्ट, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट, फिर यहाँ पे जो रैम है, आप जो है रैम 4 GB आप कर लीजिए अगर आपके पास प्रॉपर है, नहीं तो 2 GB में भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. तो मैं यहाँ पे 4 GB इसमें रैम मैंने ऐड कराई है. नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास डू ऐड ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, हम सेलेक्ट करेंगे. एंड दिस विल बी वर्चुअल डिस्क इमेज हम यूज करेंगे. नेक्स्ट, डायनामिक एलोकेटेड और फिक्स साइज. डायनामिक एलोकेटेड में क्या होता है कि जैसे आपके पास जितनी आप यूज करोगे उतना ही यूज होगा, ज़्यादा यूज स्पेस आपको दिखाता रहेगा. सपोज दैट आपने 40 GB ऐड किया, तो वो अगर 20 GB ही यूज कर रहा है तो वो वही यूज करेगा. अगर जो 20 GB फ्री बचा है वो आपका फ्री रहेगा, और अगर आप फिक्स कर दोगे तो उसको 40 GB अलाउट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 50 GB इसको असाइन करूँगा. जस्ट वन सेकेंड, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो. ओके, तो 50 GB मैंने कर दिया. देखिए एड्रेस डी डी ड्राइव में मशीन और ये विंडोज सर्वर के नाम से मेरा सेव हो जाएगा. क्रिएट, ऑल सेट. एंड वन न्यू मशीन फॉर विंडोज 10, विंडोज 10. मैं इसका नाम लैब कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, और इस पे भी मैं 2 GB रैम मेरे लिए बहुत है, कुछ मैंने करना नहीं है क्लाइंट लोकेशन पे. एंड क्रिएट, नेक्स्ट, सेम डायनेमिक, और यहाँ पे 50 GB जरूरत नहीं है मुझे, 20 बहुत है, 25 GB बहुत है. और ये हमारी मशीन जो है क्रिएट हो गई है दोनों. और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंस्टॉल करेंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपना OS अपनी मशीन, वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय.